सर जी नाम तो है मेरा नाम भ्रमर कुमार जी। मुद्दा जी जो कल मणिपुर के हालात देखदा होया जो एस सी भाईचारे ने कौलबंदी राज की हुई सी उनके जो समर्थन से असं उस समर्थन में तुरते पे सी उस बारे असं कुछ गल्ला ने जो तुहाडे नाल सांझी करनी। सर गल कुछ भगत सिंह चौंक दे धरने ते बैठे जिहड़े लीडर सी उन्होंने आरोप सी कि तुसीं उन्होंने गड्डियां चल रही सी ठेके खोले तुहानूं बंद करन च कहा पर तुहाडे वल्लों जाती सूचक शब्द बोले जी उन्होंने तंग परेशान किया गया किन्नी कि सच्चाई है। एक तो सब तो पहला गल मैं ये कहनी हाँ कि एस सी भाईचारे नाल मेरा कोई वैर नहीं इन्हां दे विच ही मैं इत्थे कामयाब होया वा। उह जिहड़े सप लोड़दे पए आ ना इन्हां दे उह सप क्यों लोड़दे पए आ कि जिहड़ी दो नंबर दी शराब नूं मैं रोक लिया वा जिहड़े इन्हां दे महल्ले दे विच इन्हां दे घरां दे बाहर किसे वेचदे पए ने जिहड़े कि इह नाल इक दो घर होर पूरे महल्ले नूं खराब करदे पए आ होरां बंदिआं नूं होर बच्चिआं दे भविष्य नूं खराब करदे पए ने जो गंदी दारू पिला पिला के ये तो कह रहे हैं कि सरकार वो सुझाते खुले ने रमन गंदी दारू पिला रहा है दारू गंदी ये पिला रहे लोगों को नंगा ये कर रहे लोगों को पैसे ये खो रहे स्कूल के भले मानस बंद को ठीक है तो जे उन्होंने अभी फड़ते पे हाँ तो जे दो चार प्रधान बने फिरते हैं एक आ चरणजीत झोना एक आ रोशन सभरवाल एक अनू सभरवाल बन गया वा जिन्होंने कोई नक मुझा नहीं आता सी ने मैं ना मेरे तो बाद मैं सब पता है कोई की ने एक की चीज सी ठीक है जो कितने मेरी लोड़ पई है मणिपुर समर्थन की गल तो मैं बाद करूंगा इन्होंने वैसे भी कितने मेरी लोड़ पई किसी धार्मिक काम च किसी रैलियां जाने वास्ते उन्होंने कोई शराब चाहिए हुई कितने गड्डिया की मंग पई कि पैसे की मंग पई मैं हर टाइम इन्होंने जो भी रोशन सभरवाल हो गया आज चलती झोना उखी है जब मेरे को दफ्तर आके बैठ के चाह पी के तो मेरे को पांच पांच दस हजार रुपया लगा रहा वा उ चलती झोना खराब क्यों चल रहा है क्योंकि इनके बंदे शराब नहीं बेचन दे रहा यह मेरे को सिर्फ एक बंद गया रिंकू मुंडा जी उन्होंने शराब देख लैन दो बाकी सारे नाम मैं लिस्ट लेके जाऊंगा ये तो हर एक पिछले आप पिछे हो दूजे पास बंदों ने भेज के फोन कर करके एस एस ओ साहब धमकिया जो कोई कार्रवाई करने लगता है और एक गल हो कहता कि चिट्टा पाया पुछो कि चिट्टा कि बंद पाया गया वा दस साल हो जाए मैंने कारोबार कर दिया कपूरथले कि बंद शराब वाले बंद चिट्टा पाए तक जो बंद कह रहे शराब बेचन तो की नजायज शराब बेचता वा रिंकू सारे पता वा जी पूरे शहर में पता होम डिलीवरी करता अज तक जोमैटो डोमिनोज पीजे खुले ने आप पीजा दो देने ऐदा ही दो दो रहा शराफा बाजार सर उन्हें मल्या वा जो लोग उन्हें मल्या बाणिया बाजार उन्हें मल्या मच्छी चौंक उन्हें मल्या सदर बाजार उन्हें मल्या एक नंडी मुले रहा बंदा ये सब बंदे एक्टिवा के ठीक है पूरा ट्रेनिंग सेंटर है उधर शमशान घाट के पिछले पंदे पास ठीक है उतो पूरे मुलाजमान सब शराब इतों बेच के आते हैं बिल्कुल जी बिल्कुल पूरी राजनीति की गई है जी ठीक है देखो सानू साइज में घुमाव साडा किसी कोई तल्लुकात नहीं सी सानू एक्साइज वालों साढ़े मानयोग ईटी सी वरुण निगम जी वालों या मानयोग सीएम साहब वालों पंजाब सरकार वालों सानू कोई ऑर्डर होंगे ठीक है डीसी साहब अगे 15 अगस्त आती है 2 अक्तूबर आती है जो कोई भी फ्लाई डे आता है तो वह सबू पहले 2 दिन पहले नोटिस आते हैं असं उस नोटिस की पालना करी दी है बैंक यूनियन करी दी है उन्हें शाम का 5 का टाइम होंगे 5 के बाद असं खोली दी है ठीक है इन्हें ना साढ़े कोई इंटीमेशन हाँ जी इन्हों को हैगी है जे ये कहते हैं कि ठेके बंद करने वास्ते क्या गया जिंदगी मैनू मेरे को 5 रुपये जी 60 लाख रुपया फीस देना मैं कोई सरकार को 60 लाख रुपये रोज फीस मैं सरकार देना मैं वो 60 लाख रुपये कितों पूरा करके लैके आया कारोबार पहले घाटे चलन रहे हैं 5 करोड़ घाटे से उस टाइम मैं 50 रुपये बैठा वा ठीक है कारोबार सरकार का विकता नहीं पाया एक मैं कारोबार लिया उस सरकार के इस कारोबार तो कि महकमे दिखावा चल दिया ने उस प्रशासन है
कई दफ्तर ने, कमेटी के हर दफ्तर ने, कई दफ्तर ने, हर दफ्तर जवान मिलती है भैया ने, आटा का स्कीम मिलती पी है, डिवेलपमेंट मिलता पाया वा, कोल टैक्स मिलता पा, किन्ने टैक्स का ठेके भरता पाया वा, असं अज कमा कमा के सरकार को पैसा देखे देने हैं, साडे पैसे घर वापस आने कि नहीं आने का वक्री गल, तुश्मी तो लड़ना वक्री बन रहे हैं। सर मेरा नाम परमजोत सिंह है जी, मैं कपूरथले शराब के ठेकेदार च पार्टनर हाँ। शटर अद्धे अद्धे डाउन कर लो क्योंकि सानू ना तो एक्साइज वालों कोई अपडेट सी भी ठेके बंद होने हैं, डीएसपी साहब वालों जो भी कहा गया सीगा भी अद्धे अद्धे शटर डाउन कर लो तुसी, ते उस तो बाद असी अपनी गड्डियां ते गश्त करदे पए भी किसे सेलमैन ने शटर तो नहीं पूरा खोलिया होया या कोई नुकसान तो नहीं किसे ठेके का हो रहा, ते उस दौरान रिलायंस मार्ट के सामने साडी गड्डी रोकी गई जबकि नाल एक्साइज के मुलाजम भी सीगे, ते गड्डी दे चारे टायरां चों हवा कढ दित्ती गई। कौन बंदे सी जिहड़ा गड्डी नूं? अरुण सब्बरवाल सी ते चरणजीत सिंह हंस सी। मानहानी दे ही दावे किते ही कोर्ट वालों भी ऑर्डर गया सीगा, साडे एडवोकेट वालों भी इन्हां नूं लीगल नोटिस गए हुए है, इस चीज नूं अज 10 दिन हो चले है जी। ये भेजे जी चरणजीत सिंह हंस नूं, रोशन सब्बरवाल नूं, बिट्टू हाते वाला जो शेखूपुर है, ते दो तीन जने होर सीगे, पांच छे जने नूं सभा नोटिस, इन्होंने जी पिछले कुछ दिनों दे विच इन्होंने डीसी दफ्तर दे बाहर नारे लाए सीगे भी बिना मतलब तो इन्होंने एलीगेशन लाइया ही जिहड़ियां इन्हां को प्रूफ ही नहीं हो सकिया है। इस चीज़ ये आप प्रूफ कर दें जी, ये गल ये नजायज परचे पै रहे हैं, कौन पवा रहे हैं सानू ते आपने इस बारे पता जी, जेड़ी शराब फड़ी जाती है यही कारण है जी, जेड़े इन्हां नूं डेफरमेशन नोटिस गए हुए है ओदी खुंदकबाजी दे विच ही ये सारा कुछ करदे पए है कि साडे ते कोई एलीगेशन इहो जिहा आवे जिहड़ा असीं इन्हां नूं दबा सकीए, ते अपने जिहड़े डेफरमेशन नोटिस इन्हां ने भेजे है ओदी कारवाई ना हो सके। मणिपुर की घटना सानू भी उस गल का दुख है, बट जे इदां दी कोई कारवाई इन्होंने करनी है, इन्होंने पंजाब बंद करके क्यों कारवाई करनी है, मणिपुर जान मणिपुर जाके कॉल करन सीडी भी करनी है। मैनू पता लगा कि उन्होंने मेरे ते आरोप लगाया रमन ठेकेदार ने, लेकिन मेरी रमन ना अज तक कोई किसी तरह की खैरबाजी नहीं है। कल साडा पंजाब बंद का सदा सीगा, असी भगत सिंह चौंक च धरना दिता हुआ सीगा, साडा मुंडा ये दो तार आए उन्होंने ये नारे लाने बंद रमन मुर्दाबाद ठेकेदार मुर्दा वो मैं क्या आपा आ मुद्दा नहीं है, ये रमन दो उन्होंने ठेकेदार से नारे ना लाओ, कहिंदा जी वो उन्हें ठेके नहीं बंद किए, उदिया गड्डिया घुमनिया से शराब दियाँ, तो साड़ी उन्होंने टूटू मैम होगी साढ़े उन्होंने अपशब्द बोले, मैं क्या सानू नहीं पता बोले नहीं बोले, ये टॉपिक बंद कर दो, ये गल है जी मेरी रमन ना कोई अज तक कोई तू तू मैम नहीं है ना जी ना, मैंने कोई कोई नोटिस नहीं आया ना जी ना, मैं किसी को गलत बयानबाजी दिना तो ना कोई मेरे बारे दिता, जो कोई गलत मेरे बारे दिता भी है तो मैं उन्हें बख्शी दिना वा, जेकर इन्हें सानू कहा भी टैगे के प्रधान नहीं है दुखी के प्रधान नहीं है, तो साडे वालों ये भी टैगे का ठेकेदार नहीं है, तो ये भी दुखी का नहीं है, क्योंकि ना मेरा शराब का कोई लिंक, ना मैं शराब पीव, ना मैं बेचने वाले का पता कौन बेचता कौन खरीदता। जिन्हें लाए हुए जिन्हें लाए हो जी उन्होंने डरूगा, मैं अज तक ना ये हाँ इतना मेरा प्यार जरूर आ, मेरी इज्जत करता, मैं यदि करता, मेरे ना यदा अज तक कोई इदा का कोई विवाद नहीं है। अरुण सब्बरवाल नूं पता, चरणजीत हंस नूं पता, जाणो नाल मुंडे से साडे सामने कोई इदां दी गल नहीं।
ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਹੰਸ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ पता लगी है तो जी गल कि कल जरा मणिपुर लैके पंजाब बंद की कॉल जी दी गई थी तो असी तो पंजाब बंद की कॉल के भगत सिंह चौंक के असं बैठे थे साढ़े समाज समाजिक धार्मिक समाजिक राजनीतिक जथेबंदी के आगू साहबान तो सू एक पता लगा कि उसने कि उत्थे अरुण सभरवाल का कोई झगड़ा हो गया साई रमन के नाल साई तो असी मैं प्रोग्राम छड़ के मैं उस वे गया तो मौके पर मैं डी एस पी साहब भी फोन किया कि तुसी जल्दी उत्थे पहुंचो फोर्स भेजो कि उत्थे कोई झगड़ा झुगड़ा हो गया तो मैं जाते उत्थे मौके के उत्ते जरा जाके मैं गया तो उत्थे मैं देखा तो मैं उत्थे पता लगा कि अपने अरुण सभरवाल जी जिहड़े प्रधान आ उन्होंने मैनूं दस्सिया कि मैनूं इन्हें जद शब्द बोले तो उत्थे दे मौके दे मुलाजम जिहड़े सीगे जिहड़े कि उन्होंने नाल साइज मुलाजम सीगे उन्होंने भी दस्सिया कि वाकई यह गल जिहड़ी आ साडे वी ध्यान च उन्होंने आई आ कि जिहड़ी रेकी डेढ़ घंटे तो लगभग जिहड़ी एक्सरसाइज कर रही थी उत्थों के जिहड़े एक्सरसाइज के मुलाजम से जिहड़े नाल ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਸਭਰਵਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਡੇਢ ਘੰਟੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਰੁਣ ਸਭਰਵਾਲ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਰੇਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਦ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਆ ਅਰੁਣ ਸਭਰਵਾਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇ ਦਾ ਰਮਨ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਰਿੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਗੱਡੀ ਉਹਦੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰਿੱਕੀ ਔਰ ਰਮਨ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋੜੀ ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿੱਕੀ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਪਾਏ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਲਕੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਆ ਧਰਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਮਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਤਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇਡ ਕਰ ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਅਰੁਣ ਸਭਰਵਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ ਸਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ सर ये बेनती है कि असी ना कपूरथले विच दुकाना बंद करा रहे थे बैंक बंद करा रहे थे असी काले सिंह फाटक तो जोगिंदर कवाड़िए दे होके उधरों साडे मगर लगे जी ये रिक्की नाल एक गड्डी होर सी ये दो घंटे डेढ़ घंटा साडे पिछे रैकी करते रहे एक रजापुर दे सरपंच आ एक मैंबर पंचायत आ एक तो महिंदर सरपंच मैंबर पंचायत विक्की पड्डा वा उन्होंने मैं दसाया कि पंजाब नैशनल बैंक चो निकले बाहर मैंने उन्होंने दसाया अरुण जी कि ताड़ी ना एक्साइज वाले ताड़े पिछे डेढ़ दो घंटे तो वा तो उन्होंने मिलो जाके मैं चलो आओ सरपंच साहब गल कर लिए कातों साडे मगर कत लगे हैं मैं जी उत्थे जिहड़ा अलायंस वाले का मॉल आ शायद उत्थे तुसीं कैमरे भी कटा लो जे मैं झूठ बोलदा वा ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਕਢਾ ਲਓ ਮੈਂ ਰਿੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਾਹਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਰਿੱਕੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਡੀ ਉਹ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਰਿਟਾਇਰ ਸੀਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿੱਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਦੋ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਆਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਰਿੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਰਿੱਕੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿੱਕੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਰਿੱਕੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿੱਕੀ ਭਾਈ ਬੋਲ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰੂ ਸੁਭਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੈਕੀ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਾ
और ये रिकॉर्डिंग सुन लियो एसएचओ साहब को होनी मेरे सामने हर चीज की रिकॉर्डिंग तो तुसी गलत नु जाति सुच्ची शब्द बोलो को भाई वो बोल के ओदो नहीं उन्हें गड्डी च बोले सीगे किरो निकल गया वा कहंदा जा भज्जा तन मैं देख लूंगा निकलया कदों ठीक है एकदम फोन ते नहीं किया सी उन्हें मैं झूठ नहीं बोलदा मैनु फोन ते गड्डी जा कहंदा जा तेरी कात किथे तक है के मैं देख लूंगा प्रशासन चलता पिया मीडिया इन